वेलकम इन किचन विद अलीना। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ पिज्जा बर्गर। ये लार्ज पिज्जा बर्गर है जो आजकल बहुत ही ज्यादा स्पेशली इंडियन स्ट्रीट फूड में बहुत इन है। उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत है, पीटा ब्रेड ली है मैंने, यानी कि शवरमा ब्रेड, ये मैंने 2 अदद ली है। साथ में मैंने वेज पैटीज ली हैं 2 अदद। आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं या चिकन पैटीज भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग वेज पैटी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर दूंगी और ये 1 टीस्पून है। इसको हल्का सा मैं ऑयल में फ्राई करूंगी। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर चॉप्ड। इसे मैं हल्का सा सौते करूंगी ऑयल में। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप्ड ग्रीन चिली, यानी कि सब्ज मिर्च चॉप की हुई, वे मिक्स करूंगी। ओके, ये डन हो गई है। ज़्यादा जलाएंगे नहीं हम इसे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गाजर चॉप की हुई। इसको मैंने देखें बिल्कुल बारीक बारीक कश किया है। इसे मैं मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें उबले हुए मटर शामिल कर दूंगी और इसे दोबारा से मिक्स करूंगी। 1 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी ताकि अगर इसमें कोई पानी वगैरह हो तो वो बिल्कुल खुशक हो जाए। देखिए 1 मिनट हो गया। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। सबसे पहले लाल मिर्चों का पाउडर, साथ में मैं ऐड कर दूंगी इसमें साल्ट यानी कि नमक 1/2 टीस्पून था, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें बॉयल किए हुए यानी कि उबले हुए आलू को शामिल कर दूँगी इस तरह से। अब इसे दोबारा से मिक्स करेंगे और देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और जो हमारी फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। फ्लेम ऑफ कर दिया। मैं इसे किसी बर्तन में निकालूंगी और इसे ठंडा कर लूंगी रूम टेम्परेचर पर। ठंडा होने के बाद देन हम इसकी पैटीज बनाएंगे। अगर हम गरम गरम की बनाएंगे तो वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए मैंने अब लिया है 4 टेबल स्पून मैदा यानी कि ऑल पर्पज फ्लोर। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा पानी और इसका हम लिक्विड सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। और देखिए ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है। ये इस फॉर्म में है, देखें इतना लिक्विड है ये। देखिए जो हमारी फिलिंग हमने रेडी की थी पैटी की वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब मैं इसकी पैटी बना लूँगी इस तरह से। मैं थोड़ा सा लूँगी और देखें ये बना लिया मैंने इस तरह से। ये मोटी भी है और साइडों से इस तरह से मैंने इसे प्रेस करके किया है। अब हम इसे इस लिक्विड में डिप करेंगे इस तरह से और कोट कर लेंगे इस तरह से। और देखें ये कोट हो गया है। ब्रेड क्रम्स इसे कोट कर लूँगी। अब मैं इसे ऑयल में डाल दूंगी और इसे फ्राई कर लूंगी। आप इसे पैन में भी फ्राई कर सकते हैं और इस तरह से खुले ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, यानी कि शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट तक फ्राई करूंगी और देखें ये बिल्कुल डन होगी। देखिए कितनी क्रिस्पी और जूसी सी हमारी पैटी रेडी हो गई है। शिमला मिर्च ली है मैंने, इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये 1 कप है। अनियन यानी कि प्याज लिए मैंने 1 कप, इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, देखिए इस तरह से। साथ में मैंने लिया पिज़्ज़ा सॉस, ये 1 टेबल स्पून है। ग्रीन चटनी ली है मैंने 1 टेबल स्पून। साथ में मैंने लिए रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च के बीजों वाली है, ये 1 टीस्पून लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने ओरिगेनो लिया है, ये फ्लेवर के लिए, अगर आपके पास ना हो तो आप ना ऐड करेंगे, दोनों चीज़ें फ्लेवर के लिए हैं। साथ में मैंने ऑलिव्स लिए हैं, मोज़रेला चीज़ ली है मैंने 100 ग्राम। 4 टेबल स्पून मैंने मेयोनीज ली थी यानी कि 1/4 कप, और उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऐड कर दी थी चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस ना हो तो आप केचप भी ऐड कर सकते हैं, और दोनों को ऐड करके मैंने मिक्स कर लिया था। चलिए अब हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। देखें ये जो पीटा ब्रेड है, देखें ये सॉस जो मैंने बनाई है मेयोनीज को और चिली गार्लिक सॉस को मिक्स करके, दोनों पर मैं वो अप्लाई कर दूंगी। अब मैं साथ में इस पर ये ग्रीन चटनी वो अप्लाई कर दूंगी। अब मैं इस पर चॉप्ड अनियन यानी कि प्याज ऐड कर दूंगी। ये ऑलमोस्ट हम लोग पिज्जा की फिलिंग ही कर रहे हैं इस पर। अब मैं इसके ऊपर ये सॉस अप्लाई कर दूंगी। इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया, ये वही है जो मैंने मेयोनीज और चिली गार्लिक सॉस को मिक्स करके बनाई है।
देखिए मैंने सॉस ऐड कर दिए, अब मैं पैटी ले लूँगी एक, इसके इस तरह से कटिंग करूँगी। देखिए फोर पीसेस में मैंने कट कर लिया है, ये इस पर ऐड कर दूँगी ऐसे। दूसरी पैटी भी मैं ले लूँगी, उसकी भी कटिंग करके इसे ऐड कर दूँगी। मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड करूँगी, इसको इसको चीज़ से कवर करूँगी। देखिए चीज़ मैंने ऐड कर दी है, अब मैं जो सेकंड ब्रेड है वो लूँगी और इस पर अप्लाई कर दूँगी पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप मत ऐड करें, चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं आप। अब मैं इसे कवर कर दूँगी इस तरह से, और देखिए हमारी लोडेड सी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके ऊपर मेयोनीज अप्लाई करूँगी सबसे पहले, और इसको भी कवर करूँगी। और देखिए मैंने मेयोनीज ऐड कर दिए, अब मैं इसे इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी इस तरह से, पूरे को कवर करूँगी मैं। और देखिए मैंने इसे पूरी को मेयोनीज से कवर कर दिया, अब मैं इस पर चीज़ ग्रेट करके ऐड कर दूँगी दोबारा से, और इसे भी पूरे को कवर करूँगी। चीज़ हम बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे इसमें। देखिए मैंने इसे चीज़ से पूरे को कवर कर दिया है, अब मैं इसके ऊपर ओरिगेनो स्प्रिंकल कर दूंगी, और ये फ्लेवर के लिए है, अगर आपके पास ना हो तो आप मत ऐड करें। और साथ में इस पर चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैं इस पर ब्लैक ऑलिव्स ऐड करूंगी इस तरह से। देखिए फिलिंग इसकी बिल्कुल रेडी है। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है, इसमें मैं इसे रखूँगी, और अवन को मैंने पहले से प्रीहीट कर लिया 25 मिनट के लिए। अब मैं इसे 5 से 7 मिनट तक इसे बेक करूँगी। इस ट्रे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, अब मैं इसको हमारे जो पिज़्ज़ा है इसे उठा के इसमें रखूँगी एहतियात से। आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसे पैन में भी बेक कर सकते हैं। आप पैन को पैन में इसे रखें और ऊपर से कवर कर दें, और बिल्कुल हल्की आंच पे आप इसे 5 से 7 मिनट तक बेक करें तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप पतीले में भी कर सकते हैं, पतीले में आप पहले नमक बिछाएं, उसके बाद कोई स्टील का बर्तन रखें और फिर इसे रख के ट्रे को ऊपर से कवर करके इसे 10 मिनट तक पकाएं तो ये रेडी हो जाएगी। और देखें ये बेक होके बिल्कुल रेडी है, अमेजिंग लुक है इसका। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ इधर, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और चीज़ी बना है ये, मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। लुक एट दिस। अब मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस और यूनिक सा स्टाइल है, बहुत ही इजी भी है और टेम्पटिंग रेसिपी है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी ये बना के दे सकते हैं।